नमस्कार प्रणाम, आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है दुनिया मेरी नज़र से और मेरा नाम है साधना। आज मैं आपको यहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय यानी कि मेरे विद्यालय के बजट के बारे में बताऊंगी कि सरकार किसी भी एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को चलाने के लिए कितना पैसा देती है। किसी भी आम विद्यालय हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमें दोनों चीज़ों को लिखना होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो हम दोनों चीज़ों को देखते हैं कि इनकम कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है और उसके अलग अलग हेड हम डिवाइड करते हैं एक्सपेंडिचर के हिसाब से, किस हेड में वो पैसा जाना है, वो एक्सपेंस किस हेड में हुआ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है, ट्रेडिंग में हुआ है, रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू है, किस तरह का है। लेकिन यहाँ कस्तूरबा विद्यालय में ऐसा नहीं है, आपको किस हेड का पैसा है वो सरकार ही डिसाइड करेगी, मतलब परियोजना ही डिसाइड करती है कि हम इस हेड में इतना पैसा देंगे और आपको उसी हेड में खर्च करना है। एक हेड का पैसा आप दूसरे हेड में नहीं खर्च कर सकते, मतलब कि डिसाइडेड है आपका पैसा कि जिस हेड में दे रही है पैसा उसी हेड में आपको खर्च करना है। तो जो प्रतिवर्ष परियोजना एक विद्यालय को चलाने के लिए पैसा देती है उसको दो हेड में डिवाइड करती है। एक पहला हेड होता है रिकरिंग हेड। रिकरिंग हेड मतलब कि हर प्रतिवर्ष खर्च होने वाला पैसा, प्रतिवर्ष जो पैसा 100 विद्यार्थियों के लिए खर्च होता है वो रिकरिंग हेड में वो पैसा देती है, और कुछ पैसा देती है परियोजना वो नॉन रिकरिंग हेड में। नॉन रिकरिंग हेड में मतलब कि वो हर तीसरे साल मतलब कुछ पैसा देती है, मतलब वो हर साल नहीं होता है, हर तीसरे साल होता है, हर पांचवें साल होता है, उसका अलग से मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से कितने कितने साल पर कितना कितना पैसा इसमें आता है। तो वो प्रतिवर्ष का हिसाब नहीं होता है, प्रतिवर्ष उस हेड में कुछ ना कुछ पैसा आता है लेकिन वो एक ही चीज़ के लिए नहीं आता है, अलग अलग चीज़ के लिए आता है। और ये जो रिकरिंग वाला हेड है उसमें प्रतिवर्ष उस हेड में उतना पैसा आता है। तो हम पहले आज जो बात करेंगे वो रिकरिंग हेड की बात करेंगे। नोट करके रखा हुआ है तो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय KGBB, तो फर्स्ट जो है वो रिकरिंग कॉस्ट हेड है, आवर्तक मद जिसे कहते हैं आवर्तक मद। तो इसमें फर्स्ट जो है वो बालिकाओं के भोजन हेतु, जो बालिकाओं के भोजन के लिए जो आता है वो प्रति बालिका 60 रुपये के हिसाब से आता है, और ये 100 बच्चियों के लिए आता है और 11 महीने का, तो एक बच्ची पे 1800 प्रति माह के हिसाब से पड़ता है। तो अगर ये 11 महीने का पूरा जोड़ें तो 19,80,000 होता है, मतलब प्रतिवर्ष 19,80,000 बालिका के भोजन हेतु आता है। और ये भोजन जो है वो भोजन मेनू के हिसाब से ही बनना चाहिए, उसी हिसाब से बनता है। और भोजन मेन्यू क्या है वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगी कि क्या भोजन मेन्यू डिसाइडेड है सरकार की तरफ से। और दूसरा जो हेड है वो स्टाइपेंड है, मतलब छात्रवृत्ति जो मिलती है बालिकाओं को वो 100 रुपये महीना के हिसाब से मिलती है, कि 100 रुपये महीना 11 महीना मिलती है, एक महीना नहीं मिलती है, जो बच्चों की छुट्टी होती है उसका वो एक महीना काट लेते हैं। तो 1100 रुपया प्रति बालिका के हिसाब से ये 1,10,000 है वो स्टाइपेंड का पैसा आता है। और हाँ, ये बालिकाओं का जो भोजन है उसका मैंने ये नहीं बताया कि इसमें जो है ये भोजन के लिए 60 रुपये में 20 रुपया जो होता है वो दूध फल सब्जी इन सब के लिए आता है, और उसको हम लोग विद्यालय स्तर से ख़रीदा जा सकता है, विद्यालय स्तर से ख़रीद के बच्चियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन बाकी जो है 40 रुपये प्रति बालिका के हिसाब से जो और पैसा बचता है उसका टेंडर होता है, वो टेंडर के हिसाब से वो बालिकाओं को सारा सामान मिलता है, मतलब भोजन की सारी सामग्री दी जाती है और उस हिसाब से भोजन बनता है और उसका बिल का उस तरह से पेमेंट होता है। और ये जो दूध फल सब्जी ये है इसका जो है वो विद्यालय स्तर से क्रय होता है और वो दिया जाता है। तो स्टाइपेंड का मैंने बता दिया। तीसरा जो है वो है स्टेशनरी मद। तो स्टेशनरी मद में जो है वो बालिकाओं के लिए सारी स्टेशनरी आती है और ऑफिस के लिए सारी स्टेशनरी आती है। ये 1200 पूरे साल का प्रति बालिका के लिए आता है, ये 1,20,000 ये प्रति बालिका के लिए पूरे साल के लिए आता है। तो इसमें ये जो निर्देश होता है वो सारी कॉपी किताब और कलर पेंसिल अभ्यास पुस्तिका वाटर कलर स्केल थर्माकोल ड्राइंग शीट सेलो टेप गोंद मतलब पेंसिल बॉक्स शार्पनर रबर कटर चार्ट कलर
पतंगी कागज आदि, मतलब जितनी भी स्टेशनरी और TLM जो भी ज़रूरत हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, TLM की ज़रूरत होती है, या जो भी एजुकेशन मटेरियल जितना भी हो वो इसके तहत खरीदा जाता है, और इसका 1,20,000 का बजट है, आता है साल का। लेकिन इस साल जैसे ये साल कोरोना था और विद्यालय बंद थे, तो इसकी वजह से इस साल जो आया है बजट वो कम आया है, वो ये स्टेशनरी में 1,20,000 की जगह पे सिर्फ 50,000 आया है बजट, और ये भोजन वाला जो है वो 10,80,000 आया है बस, ये 19,80,000 की जगह 10,80,000 आया है। स्टाइपेंड का इस साल पूरा पैसा आया है, क्योंकि विद्यालय बंद था, 6 महीने बाद खुला है जैसा कि आप सब जानते हैं, तो इसीलिए सरकार उसी तरह से बजट भी थोड़ा कम करके दी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग। तो स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग में बच्चों को जीवन कौशल शिविर कराया जाता है, उसमें एक महिला डॉक्टर, पुलिस, जिसमें महिला डॉक्टर, पुलिस, वकील और किसी जनप्रतिनिधि, इन सबको बुला के लोगों, मतलब शिविर में एक एक लोगों को बुला के बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है, और खेल कूद करवाया जाता है, और सेल्फ डिफेंस का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक स्किल का है वो इन सब चीज़ों में, और जैसे सिलाई वलाई भी सिखाई जाती है, ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स का उसमें रहता है कि जहाँ भी आप करना चाहें वो उसमें खर्च कर सकते हैं। तो ये 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष आता है, बट इस साल जो है ये सिर्फ 55,000 आया है। मेडिकल केयर एंड कंटिंजेंसी में सालाना 1,500 प्रति बालिका के हिसाब से 1,50,000 रुपए आता है वर्ष में, लेकिन इस साल जो है इसका 1,00,000 आया है, 1,00,000 आया है इस साल, वही स्कूल बंद होने की वजह से। तो इसको हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? ये नियमित प्रयोग के लिए साबुन, तेल, कंघा, डिटॉल, शैम्पू, नेल कटर, मंजन, ब्रश, प्रतिमाह बालिकाओं की सैनिटरी नैपकिन, स्वास्थ्य के लिए जो है वो दवाइयाँ, और एम्बुलेंस आदि बुलाने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, उनकी दवाइयाँ लेना, चश्मे उसमें बनवाना, दैनिक सफाई है, प्लास्टिक की बाल्टी, मग, टॉयलेट क्लीनर, ये जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं बच्चों की साफ़ सफाई से रिलेटेड जो हैं, बिस्तर की धुलाई वगैरह, नियमित सफाई, फिनॉल, हार्पिक, इन सब चीज़ों के लिए इस पैसे का यूज़ किया जाता है। हाँ, इसके बाद है हॉस्टल का रखरखाव, हॉस्टल मेंटेनेंस। तो हॉस्टल मेंटेनेंस में प्रति बालिका प्रतिवर्ष 1,500 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए आता है, लेकिन इस वर्ष जो है इसका हमारे विद्यालय में सिर्फ 75,000 आया था, पर जैसे पूरे साल अगर स्कूल चले जैसे हमेशा चलता है तो इसका 1,50,000 रुपए आता है। और इसको खर्च करने का जो निर्देश होता है वो होता है कि जैसे जैसे हॉस्टल की जो व्यवस्था है, वाटर कूलर है, RO है, हैंडपम्प जो ख़राब हो जाए उसको मेंटेन करवाना है, और शौचालय, सीवर, ये सब जो अगर है तो उसकी साफ़ सफाई मेंटेन करवाना, ड्रेनेज सही करवाना, बाथरूम में, रसोई में जैसे कोई मरम्मत करवाना हो छोटा मोटा उसके लिए है, रजाई, गद्दा, कंबल, ये सब जो है उसका धुलाई वुलाई उसकी व्यवस्था करवाना, मतलब हॉस्टल से रिलेटेड जितने भी मेंटेनेंस के काम हैं वो इससे हम लोग करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, और जाली वाली अगर शीशे उसे जाली वाली हॉस्टल के टूट गए हैं, दरवाजे वरवाजे मेंटेन करने हैं, तो वो इससे का मद से हो जाता है। तो ये हॉस्टल के लिए 1,50,000 प्रतिवर्ष मेंटेनेंस के लिए आता है। अब अगला आता है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हेड। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हेड में हम पानी के और बिजली के बिलों का भुगतान करते हैं, अगर उनका कनेक्शन लेना है या उनके बिलों का भुगतान करना है तो वो इस मद से खर्च करते हैं। उसके बाद जनरेटर, सोलर लाइट्स, इन्वर्टर, प्यूरीफायर, बैटरी का रख रखाव, उस सब में ये पैसा खर्च होता है। बिजली के उपकरण जैसे पंखे हुआ, इन्वर्टर हुआ, कूलर, फ्रिज आदि को चालू स्थिति में रखने के लिए, उसके मरम्मत के लिए जो भी पैसा खर्च होता है वो हम लोग इस मद से खर्च करते हैं। ये बायोमेट्रिक मशीन लगवाना, उसका रख रखाव, CCTV कैमरा, और मतलब कि जो है पानी से और विद्युत से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं विद्यालय के वो हम इस 1,50,000 में करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए ये पैसा आता है।
और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ डिफेंस का है, इसमें हम व्यावसायिक शिक्षा पे खर्च किया जाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर, मेहंदी लगाना, बुक बाइंडिंग, नर्सरी बनाना, पेंटिंग बनाना, इन सब चीज़ों पे खर्च करने का पैसा आता है। साइकिल सिखाना, तो उसके लिए साइकिल की व्यवस्था हो और साइकिल चालू हालत में हो, इन सब चीज़ों पे खर्च किया जाता है। और ये PRD है, जो प्रादेशिक रक्षा दल, ये 2 PRD हर कस्तूरबा में तैनात किए गए हैं, ये पिछले 3 साल से लगभग है, उसके पहले नहीं था। तो इनका जो सैलरी है वो भी इसी हेड में आने लगा है। तो इस वर्ष जो है वो सिर्फ इनकी सैलरी दी गई थी, जो मतलब 11,000 है इनका सैलरी, 11,250 रुपये। तो वही 2 PRD का जो है वो दिन में और रात में ड्यूटी करते हैं, तो उनकी सैलरी बस आई थी। बाकी हमेशा जो है इसमें ये व्यावसायिक शिक्षा के तहत ये आता है पैसा, तो ये सब सिखाया जाता है इनको। कुछ पैसा सरकार नॉन रिकरिंग हेड में भी देती है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मरम्मत करवाना हो, सेफ्टी टैंक का जैसे पैसा आता है, बेडिंग का पैसा आता है, हर तीसरे साल आता है, बाउंड्री वॉल का पैसा आता है, और TLM का पैसा आता है, वो कुछ कुछ सालों के अंतराल पे आता है। तो वो भी हर साल किसी न किसी हेड में या एक हेड या एक से ज़्यादा हेड में नॉन रिकरिंग में भी पैसा आता है, वो मैं आपको वो भी बताऊँगी, वो भी बाद में बताऊँगी। और उसके बाद सैलरी, जो सैलरी मद में भी पैसा देती है, जितने भी स्टाफ वर्किंग है उनकी सैलरी के लिए भी सरकार जो पैसा देती है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो करीब 31 लाख रुपए के आसपास ये हर साल जो है ये सरकार देती है इसमें। हाँ, इसमें सैलरी भी ऐड होगा, सैलरी भी लगभग 20-20 लाख के करीब आ जाता है सारे स्टाफ का मिला के, वो भी इसमें ऐड होगा, वो उतना पैसा सरकार देती है। और इतना सारा ये सब खर्च सरकार कर रही है 100 बच्चियों के लिए, 100 बच्चियों को पढ़ाने के लिए, और वो भी 6th, 7th, 8th, 3 साल की पढ़ाई होती है यहाँ पे, जो इस मेरा विद्यालय है उसमें। और आगे जो है वो हॉस्टल बनेगा, वो 9th to 12th का। तो मतलब सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है और अच्छा प्रयास है सरकार का ये, हम लोग को इसमें अपने तरफ से पूरा हेल्प करना चाहिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है और कुछ हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी आपका जो भोजन का मेन्यू है उसका भी वीडियो बनाऊँगी और नॉन रिकरिंग हेड का भी आगे बनाऊँगी। ओके, थैंक यू।